इसका और इसका जोड़ 180 होगा, कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक रेखा पर एक सीधी रेखा पर जब दो कोण बनते हैं तो उसको हम दो या तीन जितने भी कोण बन जाए सरल रेखा पर उसको हम रैखिक युग्म बना कहते हैं। तो ये दोनों कोण रैखिक युग्म हो गए, ऐसे ये भी है लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है। तो ये डी ओ सी आपको निकालना है प्लस बी ओ सी 125 है बराबर 180 के, आ गया समझ में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बटाएंगे उधर, एंगल डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125, तो एंगल डी ओ सी बराबर हो गया 55 डिग्री, 50 20 70, ठीक। ये कौन आ गया, अब इस त्रिभुज में ले लो, त्रिभुज ओ डी सी में कोण ओ बी सी प्लस कोण डी सी ओ प्लस कोण ओ सी डी, डी सी ओ डी ओ सी सी ओ डी बराबर 180, एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी, या त्रिभुज के तीनों कोण भुजाओं तीनों कोणों का योग। अब ओ डी सी है 70 डिग्री, डी सी ओ हमें फाइनली करना है, प्लस ये है आपका 55 डिग्री और ये बराबर हो गया 180 के, तो कोण डी सी ओ बराबर 180 7 5 12 माइनस 125 बराबर 55 डिग्री, ये भी आ गया, मतलब ये कोण भी 55 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो 55 और 55 110 और 70 180 के बीच कितने कोण हो गए, चूँकि त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए, ओ बी ए, तो जब ये त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप चूंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, चूंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, अतः अब कौन कौन संगत होगा, ओ ओ का संगत हो गया, डी बी का संगत हो गया, सी ए का, तो कोण सी बराबर कोण ए। अब सी बराबर कितना हमने निकाला यहाँ पर, ठीक है, तो परंतु कोण अब चाहे ओ सी डी बोलो चाहे डी सी ओ बोलो या खाली सी बोलो, तो यहाँ पर डी सी ओ है, डी सी ओ बराबर 55 डिग्री, अतः या कोण ए बराबर 55 डिग्री, या कोण ओ ए बी ओ ए क्या निकालना है, ओ ए बी, ओ ए बी बराबर ये 55 डिग्री आ गए, ये आंसर, ओके। ए बी समांतर बी सी एवं ए सी और बी डी जो है तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखाएं हैं, और नाइन्थ में हमने पढ़ा है कि यदि दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये समांतर है, ये तिर्यक हो गई तो ये इसका एकांतर हो जाएगा, ये तिर्यक हो गई तो ये इसका एकांतर होता है। जैसे हम यहाँ पर दो समांतर रेखा खींचते हैं तो ये इसका समांतर हो गया, लेकिन अगर ऐसे करो तभी ये इसका समांतर हो जाएगा, ठीक है, तो समांतर सॉरी एकांतर कोण हो जाएंगे, ये इसका एकांतर है, ये इसका एकांतर। तो इसी प्रकार अतः कोण एक बराबर कोण चार के, कोण दो बराबर कोण तीन के, क्यों, एकांतर कोण है, ठीक है। आप त्रिभुज ले लो ए ओ बी एवं त्रिभुज सी ओ डी में, अब इसमें क्या है, कोण एक बराबर है कोण चार के, कोण दो बराबर है कोण तीन के, ठीक है, ये बराबर है इसके, ये बराबर इसके, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, कोण ए पाँच छः कर दो, पाँच ये छः, कोण
पांच बराबर कोण छः के, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और ये सिद्ध किया है। तो कोण कोण द्वारा, कोण 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 द्वारा क्या बन गया, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। अगर त्रिभुज समरूप होता है तो संगत की भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार इसकी ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, और यही निकालना था ये आपका प्रूफ। ओके, तो जब ये कोण बराबर है तो इसके सामने ये भुजा, इस त्रिभुज में त्रिभुज ले लो, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, इस भुजे में ये इसके बराबर है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। अतः पी क्यू बराबर पी आर बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं। अगली बात समझे, अब जो दिया है पुनः ये देखो, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, ये पहले से क्या है दिया है। अब यहाँ पर पी क्यू पी आर के बराबर है तो वी कैन राइट, या हम लिख सकते हैं पी आर की जगह पी क्यू, या क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी क्यू। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा क्यू पी या पी क्यू, एक ही बात हो गई यहाँ, पी क्यू या क्यू पी एक ही बात, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, तथा कोण क्यू बराबर कोण क्यू के, ये उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पर ये दो भुजाओं का अनुपात और इसके बीच का कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा द्वारा त्रिभुज आपका सम पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ है। ओके,